हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ल्स लैम से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में। चार्ल्स लैम भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके यूके TSSC LT एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं अगर बोलूँ तो कभी कभी इनका बर्थ पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ आप इनके बर्थ को जरा याद रख लीजिएगा। बर्थ वाला क्वेश्चन एक आध बार TGT PGT में आया हुआ है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बनता है। बाकी वर्क से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज की इस एमसीक्यूज वाली सीरीज में आपको बताऊँगा। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे आपको पता है कि मॉक टेस्ट मैं करवा रहा हूं। 10 क्वेश्चंस वाली सीरीज़ भी मैंने हाल ही में चलाई है, लेकिन कभी कभी ब्रेक होता है क्योंकि स्कूल के साथ आप सभी जानते हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। स्कूल के भी काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जिनको घर में ला के करना पड़ता है, तो फैमिली टाइम बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है, तो कभी कभी नहीं हो पाता और इतना टफेस्ट हो जाता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे ही जो है आपके लिए फॉर्मेलिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस रख दूं। मैं हमेशा सोच समझ के बेहतर करने की कोशिश करता हूं और मैं फॉर्मेलिटीज़ टाइप का करके निपटना नहीं चाहता हूं। और ऑथेंटिसिटी पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूं कि ऐसा ना हो कि गलत गलत क्वेश्चंस और आंसर आपके सामने रख दें और बाद में आपको एग्ज़ाम में उसका खामियाजा उठाना पड़े, तो ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। कभी क्वेश्चंस की सीरीज़ ना आए तो आप चिंता ना करें। मतलब आप लोग चाहते हैं कि रेगुलर चीज़ें हों, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा बीच में हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, इसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आई थी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए जो रेगुलरिटी जो है एक प्रकार से बनाई जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन जो है चार्ल्स लैम से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ यहाँ पर शायद आपको आंसर शो हो गया है लेकिन बट कोई बात नहीं, हम डिस्कस पर भी करेंगे। हु सेज लैम वन ऑफ द बेस्ट बिलेवड ऑफ इंग्लिश ऑथर, किसने कहा था लैम को वन ऑफ द बेस्ट बिलेवड ऑफ इंग्लिश ऑथर? हफ वॉकर, सैंड्सबर्ग, या फिर WH हडसन या जॉर्ज सैमसन? तो राइट आंसर इसका है WH हडसन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखें। वन ऑफ द बेस्ट बिलेवड ऑफ इंग्लिश ऑथर चार्ल्स लैम को किसने कहा था? WH हडसन ने। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है विच एसेज ऑफ लैम इज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल, वो कौन सा ऐसा ऐसे है जो मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल है लैम का? बैचलर्स कंप्लेन अगेंस्ट मैरिड मैन, पुअर रिलेशन, ओल्ड चो, इम्परफेक्ट सिंपथीज? द राइट आंसर इज बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन। तो ये जो है ये इनका मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है या ऐसे है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स लैम इज द बेस्ट फेमस फॉर हिज, वो किस चीज के लिए फेमस है? जॉन वुडविल अ ट्रेजेडी के लिए, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के लिए, पोएम्स फॉर चिल्ड्रेन के लिए, या फिर एसे ऑफ एलिया के लिए? तो इसका राइट आंसर है एसे ऑफ एलिया के लिए वो जो है फेमस है। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी सीरीज़ को कर रहे हो आपको चार्ल्स लैम से रिलेटेड ये क्वेश्चन हर जगह मिल जाएगा, तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि केवल टफेस्ट क्वेश्चन ही जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं होता, बहुत ही लाइट क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन हम टफेस्ट की तरफ जाते हैं और हमसे यहाँ मिस हो जाता है। और सिलेक्शन और रिजेक्शन बस इसी चीज़ के लिए होता है, तो ध्यान रखें जो हल्की चीज़ें हैं उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। लैम बिगन हिज करियर एज, उन्होंने अपना जो करियर है स्टार्ट कैसे किया था, ये एक्चुअली अर्निंग वाले करियर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एन असिस्टेंट एडिटर इन द लंदन मैगजीन, तो लंदन मैगजीन में वो असिस्टेंट एडिटर रहे थे। अ क्लर्क इन क्रिस्ट हॉस्पिटल, अ क्लर्क इन ईस्ट इंडिया हाउस, अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है क्लर्क इन ईस्ट इंडिया हाउस, ये इसका राइट आंसर है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पे काम करने वाले एक व्यक्ति का नाम चुराकर इन्होंने जो है अपना नाम रखा था इलिया। ठीक है, ये भी आपको शायद फैक्ट्स में बताया होगा, नहीं भी बताया तो यहाँ पर आप इसको याद रखिएगा। चार्ल्स लैम रॉट हिज एसे अंडर द पेन नेम, अपना किस पेन नेम से जो है ये अपने एसेज लिखा करते थे? तो इलिया। देखिए कितना यहाँ कहीं आलिया लिख दिया गया है, कहीं इलिया लिख दिया गया है, स्पेलिंग्स का बड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है, तो कई बार गलती हो सकती है हमसे। तो एग्ज़ाम टाइम पीरियड पर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन को बड़ा ही फोकस्ड होके पढ़ना है और आंसर के ऑप्शंस को बड़ा ही बारीकी से देखना है ताकि आपसे बिल्कुल भी भूल होने की कंडीशन ना हो। तो एलिया यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है, लेकिन इस तरह के ऑप्शंस को कभी लाइटली मत लेना, बड़े ध्यान से देखना होता है क्योंकि कई बार हमसे मिस्टेक्स होती हैं और वहाँ पर ब्लेड वगैरह का यूज़ बिल्कुल मना होता है, वाइटनर मना होता है, तो बाद में बड़ी दिक्कत होती है और बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें एग्ज़ाम की ड्यूरेशन में भी। ठीक है, तो ध्यान से पहले जो है ऑप्शंस को पढ़ लेना। वैसे एग्ज़ाम से पहले मैं आपको एक वीडियो ज़रूर दूंगा कि किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को। हु वॉज द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ एलाइस एंड जॉन, ये बात चल रही ड्रीम चिल्ड्रेन वाले जो इनका ऐसे है उससे रिलेटेड जो वर्क है इनका। तो एलाइस एंड जॉन की जो ग्रैंड मदर है वो कौन है या कौन थी?
मैरी लैम, मैरी एलिया, मैरी फील्ड या फिर मैरी जॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैरी फील्ड। याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये ड्रीम चिल्ड्रन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैरी फील्ड जो है वो एलाइस और जॉन की क्या है, ग्रेट ग्रैंड मदर है। ये क्वेश्चन भी ड्रीम चिल्ड्रन से रिलेटेड है, क्योंकि ड्रीम चिल्ड्रन आपके उसमें जो है सिलेबस में दिया हुआ है। तो आप इसको खास मतलब फोकस्ड रहेंगे इस ऐसे की तरफ, इस वर्क की तरफ। हु आर द ड्रीम चिल्ड्रन ऑफ लैम, लैम के ड्रीम चिल्ड्रन कौन थे, जॉन एंड जेम्स एलिया, एलाइस एंड जेम्स, एलाइस एंड जॉन, एलाइस एंड ब्रिजिट। तो यहाँ पर ये सारे आपके ऑप्शन हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो एलाइस एंड जॉन, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट बनता है, ठीक है। ड्रीम चिल्ड्रन जो है कौन था लैम का, तो एलाइस कौन थे, एलाइस एंड जॉन, याद रखिएगा एलाइस और जॉन, ये ड्रीम चिल्ड्रन से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैम्स ग्रैंडमा लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन, लैम की ग्रैंडमा जो है वो किस ग्रेट हाउस में रहती थी, न्यूयॉर्क में, नॉर्फोक में, या यॉर्कशायर में, या लंदन में। तो इसका राइट आंसर है नॉर्फोक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ज़रूर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये ड्रीम चिल्ड्रन से रिलेटेड है। रॉबिन रेड ब्रेस्ट रेफर्स टू, ये किसे रेफर करता है, फॉरेस्ट को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, या इंसेक्ट्स को, ठीक है, किसे रेफर करता है अकॉर्डिंग टू ड्रीम चिल्ड्रन। तो इसका राइट आंसर है बर्ड्स को, ठीक है। रॉबिन, आप रॉबिन से समझ लेना, रॉबिन कोई बर्ड है, और आगे आप रेड ब्रेस्ट से समझ जाएंगे कि किसी बर्ड की बात चल रही है, तो रॉबिन के हिसाब से आप बर्ड याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एसी डज द नेम एलाइस अपीयर, एलाइस जो है वो किस ऐसे में अपीयर हुआ है, सर रोजर एट चर्च में, ऑन हैबिट्स में, ड्रीम चिल्ड्रन में, ऑन रनिंग आफ्टर वंस हैट में। तो इसका राइट आंसर है ड्रीम चिल्ड्रन में, ठीक है। अभी हमने ऊपर एलाइस और जॉन के बारे में आपको क्वेश्चन बताया था, तो एलाइस जो है वो अपीयर हुआ था ड्रीम चिल्ड्रन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी इज पब्लिश्ड इन जनवरी, ये कब पब्लिश हुआ था, जनवरी के किस ईयर में जो है पब्लिश हुआ था, 1822, 1824, 1825, 23, 25, इस तरह से दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल और केवल एक साल का डिफरेंस दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है 1822। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आप ये याद रखिए कि जो ड्रीम चिल्ड्रन थे लैम के वो थे दो, कितने थे, दो थे, अभी हमने पढ़ा ना एलाइस और जॉन, तो दो थे, तो दो थे, आप किसी चीज़ को ऐसे याद रखो कि दो जो हैं वो दो थे, यानी जो दो हैं वो दो थे, तो दो यानी दो थे, तो इसका मतलब दो दो थे, ठीक है। थोड़ा सा फनी है, बट याद रखिएगा कि उसके ड्रीम चिल्ड्रन जो दो थे ना वो दो थे, तो यहाँ से दो दो करके आप याद रखिएगा 1822, ऐसे आपको याद आ जाएगा कि जो उसके ड्रीम चिल्ड्रन थे वो दो थे, ठीक है, यानी जो दो थे वो दो थे, तो यानी दो जो थे वो दो थे, तो इससे आपको पता चल जाएगा 1822, ठीक है, ऐसे आपको याद आ जाएगा, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ये मतलब एक ट्रिक है, आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं, एज ए ट्रिक ले सकते हैं। यहाँ पर आपने मे बी अपना आंसर देख लिया, बट फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। हु वॉज द रियल फादर ऑफ द ड्रीम चिल्ड्रन ऑफ लैम, ड्रीम चिल्ड्रन ऑफ लैम जो है उसके रियल फादर कौन थे, बार्ट्रम, एलिया, जॉन, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है बार्ट्रम, ठीक है, बार्ट्रम उसके रियल फादर थे लैम के ड्रीम चिल्ड्रंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द एसेस पर एक्सीलेंस, ये वाली चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत जर्नल है, आपने कई जगह पे पढ़ा होगा, देखा होगा। हु इज कॉल्ड द एसिस्ट पर एक्सीलेंस, तो यहाँ पर ऑप्शन है बिकन, अर्नोल्ड, लैम, नन। तो राइट आंसर इसका है लैम, ठीक है। आप इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो सकती है, तो एक्सीलेंस में आपको दिख रहा है ना डबल एल आ रहे हैं, तो आप इस डबल एल से आइडिया लगा लीजिएगा कि डबल एल वाला लैम से रिलेटेड है, ठीक है। एसिस्ट पर एक्सीलेंस लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स लैम स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज, अब इन्होंने अपना लिटरेरी करियर कैसे शुरू किया था, ठीक है, अ पोएट, एन एसिस्ट, अ क्रिटिक, अ ड्रामाटिस्ट। नॉर्मली आपसे गलती हो सकती है कि आप इसको एसिस्ट कर देंगे, क्योंकि आपने इनके एसेज के बारे में पढ़ा है, बट इसका जो राइट आंसर है वो है अ पोएट। इन्होंने जो लिटरेरी करियर स्टार्ट किया था वो एज अ पोएट किया था, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लैम रॉट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ मिलके उन्होंने जो है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा था, मैरी लैम, विलियम कैबिट, हैजलिट या ली हंट? तो राइट आंसर इसका है मैरी लैम। मैरी लैम जो है इनकी सिस्टर है, जिनकी वजह से ये पूरे जीवन भर जो है अविवाहित रहे और काफ़ी इन्होंने उनका जो है केयर किया, उनका उनकी केयर टेकिंग की काफ़ी टाइम तक। इस वजह से इन्होंने अपनी लवर से भी शादी नहीं की, ठीक है, इनकी मदर की डेथ के बाद। ये सभी स्टोरी आपने पढ़ी होगी। लैम लव्ड अ वुमेन हुम हाउ एवर ही कुड नॉट मैरी, व्हाट वॉज हर नेम? वो कौन थी जिससे वो प्रेम करते थे और जिससे कभी शादी नहीं कर पाए? मैरी विंटरटन, अलाइस ब्राउनी, एनी सिमोन्स या अलाइस वाइट? द राइट आंसर है एनी सिमोन्स, ठीक है। एन सिमोन्स भी आप इनको बोल सकते हैं। एन सिमोन्स वो लड़की है, वो गर्ल है, वो वुमेन है जिससे इनको प्रेम हुआ था, लेकिन ये उनसे शादी नहीं कर पाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हें अपनी सिस्टर की जो है केयर करनी थी। नेक्स्ट है, डैश कॉल्ड लैम जेंटल हार्टेड चार्ल्स। जेंटल हार्टेड चार्ल्स जो है किसने कहा लैम को? ली हंट ने, हैजलिट ने, डी क्विंसी ने या फिर कॉलरिज ने? तो जेंटल हार्टेड जो चार्ल्स है, इनको कॉलरिज ने कहा था, याद रखिएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा कि चार्ल्स और कॉलरिज दोनों सी से आ रहे हैं, तो जेंटल हार्ट जो है चार्ल्स को किसने कहा? कॉलरिज ने कहा, सी सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऐसे डज लैम मेक एन इनडायरेक्ट इल्यूजन टू हिज फ्रस्ट्रेशन इन लव? कौन से ऐसे है जिसमें उन्होंने इनडायरेक्ट इल्यूजन जो है शो किया है अपने फ्रस्ट्रेशन इन लव कि वो लव में फ्रस्ट्रेशन में है? पुअर रिलेशंस में, बैचलर्स कंप्लेंट में, रिकलेक्शन ऑफ क्रिस्ट हॉस्पिटल या फिर ड्रीम चिल्ड्रन? तो इसका राइट आंसर ड्रीम चिल्ड्रन ही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, क्योंकि ड्रीम चिल्ड्रन से रिलेटेड है। इसमें उन्होंने इनडायरेक्ट इल्यूजन टू हिज फ्रस्ट्रेशन इन लव को जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली शो किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस वॉज रिटन बाय, ये वर्क किसने लिखा है? द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, रस्किन ने, चार्ल्स लैम ने, जे एस मिल ने या ननबदीस? तो आप सभी को पता है कि हम चार्ल्स लैम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि यही होंगे, लेकिन आप याद रखिएगा ओल्ड फैमिलियर फेसेस चार्ल्स लैम ने लिखा है, ठीक है। सो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। चार्ल्स लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन इज नोटेबल फॉर इट्स, ये किस लिए जाना जाता है? क्रशिंग ट्रेजिडी के लिए, ह्यूमर के लिए, विम्सिकल पैथोस के लिए या फिर साइनिसिज्म के लिए? तो इसका राइट आंसर है विम्सिकल पैथोस, इसका राइट आंसर है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसके लिए नोटेबल है, जाना जाता है। तो आज की क्वेश्चंस की सीरीज़ में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सभी को हेल्प मिले, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई की जो आर्ट्स हैं बढ़ाएँ और रिविज़न को अब जो है कोशिश करें जितना ज़्यादा आपसे रिवीजन हो पाए। मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी राइटर को अब मैं पढ़ाऊँगा तो इस तरह से पढ़ाऊँगा कि कोशिश करूँगा कि आपको उसमें याद करवाने की कोशिश करूँगा उन वीडियोस में, क्योंकि आप नोट मेकिंग का समय समाप्त हो चुका है, अब बस आपको कुछ ट्रिक्स चाहिए या फिर कोई समझाने वाला चाहिए, ये मुझे भी पता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।